प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के म्यांमार दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर मोहर लगी है। इनमें 8 एमओयू पर भी साइन हुए हैं। भारत और म्यांमार ने दोनों ने आपसी रिश्तों पर भी जोर देने की बात कही है। चीन में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी म्यांमार के दौरे पर रवाना हुए। पीएम मोदी ने म्यांमार के दौरे में दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर बल दिया है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रोहिंग्या मुसलमानों का भी मुद्दा उठाया। हालांकि पीएम मोदी ने इसका सीधे तौर पर जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इशारों में म्यांमार को यह संदेश जरूर दिया कि भारत उनकी समस्या के समाधान में हर संभव मदद को तैयार है। म्यांमार के पीता में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि म्यांमार की शांति प्रक्रिया तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि म्यांमार जिन चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है, भारत उन्हें पूरी तरह समझता है। पीएम मोदी ने कहा, रखाइन स्टेट में चरमपंथी हिंसा के चलते खासकर सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम जीवन की हानि को लेकर आपकी चिंताओं के हम भागीदार हैं। चाहे वो बड़ी शांति प्रक्रिया हो या किसी विशेष मुद्दे को सुलझाने की बात, हम आशा करते हैं कि सभी ऐसा हल निकालने की दिशा में काम कर सकते हैं जिससे म्यांमार की एकता और भौगोलिकता अखंडता का सम्मान करते हुए सभी के लिए शांति, न्याय, सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्य सुनिश्चित हों। पीएम के पहले ब्रिक्स सम्मेलन में और फिर म्यांमार में आतंकवाद पर निशाना साधने के साथ साथ मिली कूटनीतिक जीत का असर पाकिस्तान संचालित आतंकवाद पर कब तक और कितना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा।